प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के नियमों के अनुसार घर से छात्र हित के लिए अपलोड करने के लिए वीडियो यू पर डालने के लिए सरकार निर्देश जारी किए। मैंने समय समय पर आपके हित के लिए जो है महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल विकसित करके सभी मेरे शिक्षक सहयोगियों से निवेदन किया, वो बराबर आपको जो है वीडियो अपलोड कर रहे हैं। मैं उन्हें साधुवाद देना चाहूंगा कि हमारी फैकल्टी एक से एक बढ़कर अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लाभ के लिए अपलोड कर रहे हैं। आप लॉकडाउन के दौरान इन वीडियो का पूर्णतः जो है उपयोग लें और ईयरफोन लगा करके उसको सुने और उसको लिखें। जो चीज आपको वीडियो अपलोड करके सुनवाई जा रही है उसको आप हाथों हाथ अपने नोट्स में उसको डेवलप कर ले। कमी बेसी रही होगी तो उसमें जो है आप अपनी पुस्तक से सहयोग लेकर के उसको जो है आप सुधार कर सकते हैं। इसी कड़ी में मैं आज जो है आपको टीपी एक्ट के बारे में क्लास शुरू कर रहा हूं, जो सेकेंड ईयर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय समय पर मेरे वीडियो अपलोड होते रहेंगे। हालांकि मेरी फैकल्टी सब एनर्जेटिक और तकनीक से ग्रसित है और भली भांति तकनीक को समझने वाली फैकल्टी है, ये महाविद्यालय गौरव का विषय। सबसे पीछे की कड़ी में आज मैं आ रहा हूं क्योंकि मुझे इस तकनीक का प्रयोग करना कम आ रहा है, शायद डूडी आंसरा है और पीछे चेतना भी बैठी दिखाई दे रही है और ये अध्यक्ष भी हमारा बैठा नजर आ रहा है, शायद वो मेरे को सुन रहा होगा, मुस्कुरा रहा है, बुढ़ानिया तो बहुत ही हंस रहा है। ठीक है, थैंक यू। आज मैं शुरुआत कर रहा हूं टीपी एक्ट, तो प्रश्न लिखिए, संपत्ति हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं और इसके आवश्यक तत्वों सहित व्याख्या कीजिए। तो संपत्ति हस्तांतरण से तात्पर्य साथियों, बोर्ड दिखाई दे रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो बाद में इसको अपलोड कर दूंगा आपके जो है नजदीक से फोटो खींच करके। संपत्ति हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं, आवश्यक तत्वों से व्याख्या कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट? तो सेक्शन 5 के अनुसार संपत्ति हस्तांतरण से तात्पर्य है कि कोई जीवित व्यक्ति, सेक्शन 5 टीपीएस के अनुसार कोई जीवित व्यक्ति अर्थात एनी लिविंग पर्सन जिसके पास में इमोबल प्रॉपर्टी है, वो क्या करता है, उस प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना चाहता है तो कैसे करेगा, इस परिभाषा को हम तोड़ करके लिख रहे हैं। तो नंबर एक, किसी जीवित व्यक्ति को एनी लिविंग पर्सन, कोई जीवित व्यक्ति है, एक उदाहरण के तौर पर ए नाम का व्यक्ति है, इसके पास में एक प्लॉट है, ये बी को बेच सकता है, किसी जीवित व्यक्ति को अथवा या किन्हीं जीवित व्यक्तियों को किन्हीं जीवित व्यक्तियों का तात्पर्य यह है, एक से अधिक संपत्ति लेने वाले हैं, खरीदने वाले हैं, तो क्या ए अपनी संपत्ति उन्हें दे सकता है? तो उत्तर है हाँ। एक से अधिक ए नाम के व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है, वो बी सी और डी को भी एक साथ दे सकता है, बेच सकता है एक से अधिक व्यक्ति, या स्वयं को कैसे, यहां तो ए नाम का व्यक्ति है वो एब्सोल्यूट ओनरशिप रखता है और वो बी को दे सकता है, ए बी सी डी एक से अधिक व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकता है, स्वयं को अर्थात ए नाम का व्यक्ति है इसके पास में प्रॉपर्टी है, वो बी सी डी प्लस ए
मतलब यहां तो एब्सोल्यूट ओनरशिप है, स्वामित्व है एक के पास में, लेकिन यहां शेयर होल्डर है, स्टेटस बदलती है, व्यक्ति की हैसियत बदलती है। मान लीजिए चार आदमी ने मिलकर के कंपनी का निर्माण किया और कंपनी चाहती है फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाना जयपुर रोड पर। ऐसी स्थिति में मान लीजिए ए कह रहा है, ए कह रहा है कि मेरे पास जयपुर रोड स्थित एक प्रॉपर्टी पड़ी है, तो बी सी डी कहेंगे कि ये संपत्ति कंपनी के नाम करो। तो ए उसमें हिस्सेदार है और ए बी सी डी और स्वयं ए को भी वो संपत्ति क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, हस्तांतरण कर सकता है। कोई जीवित व्यक्ति किसी जीवित व्यक्ति यकीनी जीवित व्यक्ति या स्वयं को क्या करता है, अचल संपत्ति का, अचल संपत्ति का अंतरण करता है। वर्तमान या भविष्य काल में उसे संपत्ति हस्तांतरण कहते हैं। उसे संपत्ति हस्तांतरण कहते हैं। कोई व्यक्ति है उसके पास में किसी जीवित व्यक्ति को किन्हीं जीवित व्यक्तियों को स्वयं को अचल संपत्ति इमोबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है, वर्तमान प्रेजेंट काल या फ्यूचर काल, उसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहते हैं, संपत्ति हस्तांतरण कहते हैं। अच्छा दोस्तों, उपरोक्त परिभाषा के विश्लेषण करने पर इसके चार आवश्यक तत्व तो इसकी परिभाषा में से निकल रहे हैं। पहला है कोई जीवित व्यक्ति, एनी लिविंग पर्सन, कोई जीवित व्यक्ति। दूसरा, उस जीवित व्यक्ति के पास में क्या होनी चाहिए, अचल संपत्ति इमोवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा, अचल संपत्ति के क्या कर रहा है, वो अंतरण ट्रांसफर कर रहा है। और अंतरण कब कर रहा है, वर्तमान काल या भविष्य काल में, वर्तमान काल या भविष्य काल। ये क्या इसके आवश्यक तत्व हुए। अब प्रश्न उठता है, जीवित व्यक्ति कौन? आप और हम सभी जो भौतिक रूप से प्राणवायु ले रहे हैं वो जीवित व्यक्ति हैं। प्रश्न उठता है, क्या सभी भौतिक प्राणवायु लेने वाले जीवित व्यक्ति होंगे? तो उत्तर है नहीं। आउट ऑफ लॉ विधि द्वारा अयोग्य व्यक्ति घोषित कर दिए गए हैं, भले ही वो भौतिक रूप से प्राणवायु ले रहे हो लेकिन वो जीवित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आएगा टीपी एक्ट के अनुसार। तो फिर जीवित व्यक्ति में कौन, जिसे आउट ऑफ लॉ घोषित कर दिए गए, विधि द्वारा अयोग्य करार दे दिया गया, जैसे बोलने दाता स्वयं बोलने में भाग नहीं ले सकते, कोर्ट द्वारा नीलामी कर रही है तो कोर्ट के ऑफिसर उसमें भाग नहीं ले सकते, यूआईटी द्वारा किसी संपत्ति का ऑक्शन किया जा रहा है तो यूआईटी के पदाधिकारी उसमें भाग नहीं ले सकते। साथ में इसके पीछे कारण है कि कार्रवाई बायस्ड हो जाएगी, पक्षपात पूर्ण हो जाएगी, इसलिए इनको अयोग्य करार दिया है। है तो जीवित व्यक्ति लेकिन वो अयोग्य करार दे दिए गए हैं, इसलिए उसमें बोलीदाता स्वयं बोली में भाग नहीं ले सकते। फिर जीवित व्यक्ति के अंदर और कौन आता है, अनबॉर्न चाइल्ड, गर्भस्थ शिशु। क्या गर्भस्थ शिशु जीवित व्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है? तो उत्तर है हां। अनबॉर्न चाइल्ड गर्भकाल में आने वाला अतीत, आने वाला जो है अतीत में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए भी मां बाप अपनी संपत्ति को रिजर्व कर सकते हैं, उसके पक्ष मान्यता करके रख सकते हैं, जीवित व्यक्ति की श्रेणी में माना गया। यहां पर आईपीसी या एविडेंस एक्ट के अनुसार 280 दिन निश्चित नहीं है कि बच्चा गर्भ में ही हो और 280 दिन के भीतर बच्चा जन्म ले। गर्भकाल का मतलब है आने वाला अतीत में। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर
मेरे दो बच्चे हैं, उन दो बच्चों को मैं अपनी संपत्ति का बंटवारा कर रहा हूं और एक कल्पना करता हूं कि मेरे एक बेटा और होगा, मैं उसके लिए संपत्ति को रिजर्व कर सकता हूं। बच्चे कहेगी आप 60 वर्ष की उम्र के लगभग है, आप क्या बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं नहीं, मैं कल्पना कर सकता हूं अनबॉर्न चाइल्ड की और गर्भस्थ शिशु के पक्ष में अंतरण कर सकता हूं। तो गर्भस्थ शिशु को जीवित व्यक्ति माना गया है, इतना ही आपको याद रखना है। ध्यान रखना सेक्शन 13 और 14 में ये बात फिर उठेगी, अनबोर्न चाइल्ड को, गर्भस्थ शिशु को जीवित व्यक्ति लिविंग पर्सन माना गया है। अब दूसरा आता है और कौन जीवित व्यक्ति है, तो कंपनी, निकाय, निगम, बोर्ड, संस्थाएं जो रजिस्टर्ड है किसी न किसी एक्ट के तहत, इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट के तहत या रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंतर्गत, अगर कोई कंपनी, निकाय, निगम, बोर्ड, संस्थाएं रजिस्टर्ड है तो वो जीवित व्यक्ति मानी जाएगी, जीवित व्यक्ति की श्रेणी में आएगा। अर्थात कंपनी को आप संपत्ति को क्या कर सकते हैं, अंतरण कर सकते हैं, कंपनी से भी आप संपत्ति क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेचवान कर सकते हैं। तो कंपनी, निकाय, बोर्ड, निगमित, आपने पढ़ा होगा जूरिस्प्रूडेंस के अंदर क्या नाम, राइट इन पर्सोनीकरण, उसका व्यक्तिकरण कर दिया जाता है तो रजिस्ट्रेशन एक्ट के द्वारा या किसी एक्ट के द्वारा, तो वो जीवित व्यक्ति की श्रेणी में आएगा। अब प्रश्न उठता है अगला कि क्या मंदिर और मस्जिद, मूर्ति, क्या ये जीवित व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाएगा। अनेक हाईकोर्टों में मतभेद है, लेकिन अलग अलग विभेद है, मतभेद है। कुछ हाईकोर्ट कह रहे हैं जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है वैदिक मंत्रों के द्वारा तो वो उसको जीवित व्यक्ति की श्रेणी में माना जाना चाहिए, लेकिन कुछ एक हाईकोर्ट कह रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, विवाद की स्थिति के अंतर्गत जो मूर्ति है वो न्यायालय में उपस्थित होकर के प्रतिपक्ष की जिरे का जवाब नहीं दे सकती, मूर्ति बोल नहीं सकती। इसलिए मूर्ति है या मस्जिद है, मंदिर कोई भी है, तो उसके ट्रस्ट बने हुए, ट्रस्ट लायबल है, ट्रस्ट में अध्यक्ष होगा, कोषाध्यक्ष होगा, सचिव होगा, वो उत्तरदायी होते हैं। तो इनकी चैरिटेबल ट्रस्ट होती है, ट्रस्ट उत्तरदायी हो सकता है, लेकिन मूर्ति और मस्जिद नहीं हो सकती। फिर अगला प्रश्न उठता है अचल संपत्ति, इमूवेबल प्रॉपर्टी की सेक्शन 3 में डेफिनेशन दी गई है। सेक्शन 3 टीपी एक्ट कह रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है स्टैंडिंग टिम्बर एंड ग्रास आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, अर्थात खड़े सूखे हुए पेड़ अचल संपत्ति नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाकी सब अचल संपत्ति है, नहीं। जहां एक्ट खुद खामोश नकारात्मक परिभाषा देता है, ऐसी स्थिति में हमारे पर यह दायित्व आ जाता है, लो टीचर्स या लो स्टूडेंट पर यह दायित्व आ जाता है कि वो देखे कि अचल संपत्ति में कौन कौन सी विषय वस्तुएं आती हैं। तो जनरल क्लोजेज एक्ट में धारा 3 में जो जिला हेडक्वार्टर पर या जहां रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे तहसील स्तर पर भी रजिस्ट्रार तहसीलदार को शक्ति होती है पंजीयन की, तो वहां जनरल क्लोजेज एक्ट अर्थात सामान्य खंड अधिनियम में इसको परिभाषित किया गया है। फिर इसको जो है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 में भी इसको परिभाषित किया गया है। तो इन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 या जनरल क्लोजेज एक्ट के अनुसार इसकी परिभाषा ये हुई, अर्थ एंड अर्थ कनेक्टेड, भूमि और भूमि से जुड़ी हुई जो संपत्तियां हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी की श्रेणी में आएगा, धसी हुई नहीं, जुड़ी हुई। जैसे ये मकान है, मकान जो है धरती से जुड़ा हुआ है तो ये अचल संपत्ति है। जैसे मकान को हम इस पंखे को या दरवाजे को रिमूव कर देंगे तो जो वह अचल संपत्ति, जिसमें हम गति दे देंगे तो जो वह मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी, तो वो अचल संपत्ति की श्रेणी में आएगी। इसके साथ ही साथ शांतिबाई वर्सेज मुंबई राज्य के मामले में बहुत गहराई से, विस्तृत से, मैं वीडियो में ज्यादा नहीं जाऊंगा, उसमें समुद्र के तट है, पायतन जोड़ भीड़ है, पायतन है, और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि गीले पेड़ जो लंबे समय तक छायादार है और फलदार, ऐसे वृक्ष जो है वो अचल संपत्ति की श्रेणी में आएगा। अचल संपत्ति
के अंदर प्रवेश करना, ट्रेस पास करना गंभीर अपराध माना गया है, इसलिए हरे पेड़ों को नहीं काट सकते जो फलदार है, छायादार है, तो वो भी इसमें शामिल है। तो आप बंबई शांति बाई वर्सेज बंबई राज्य को गहराई से अध्ययन करें, उसमें बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट सूची जो है माननीय उच्चतम न्यायालय ने दी है। फिर आता है अंतरण। अंतरण से क्या तात्पर्य है? अंतरण का मतलब है, ट्रांसफर का मतलब है टाइटल और ओनरशिप। मान लीजिए इस घर की टाइटल और ओनरशिप मेरे में है, जब मैं ये बी में सेल डीड के द्वारा प्रतिस्थापित कर दूंगा तो मेरा नाम वहां से रिमूव हो जाएगा सरकारी रिकॉर्ड से और बी का नाम प्रतिस्थापित हो जाएगा। टाइटल और ओनरशिप, स्वत्व और स्वामित्व का अंतरण, ट्रांसफर होना ही, प्रतिस्थापित होना ही क्या कहलाता है? अंतरण कहलाता है। फिर दोस्तों इसके अंतरा अंतरण कब करोगे, वर्तमान काल या भविष्य काल? अंतरण वर्तमान में तो अभी आप कर सकते हो, जो जीवित व्यक्ति है, कंपनी है, निकाय है, निगम है, बोर्ड है, जो भी जीवित व्यक्ति श्रेणी में आते हैं, और मान लीजिए अनबोर्न चाइल्ड के पक्ष में आप अंतरण करना चाहते हैं तो भविष्यकालिक अंतरण होगा। वर्तमान अंतरण का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी के एग्जिस्टेंस होना आवश्यक है। भविष्यकालिक अगर आप अंतरण कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी का अस्तित्व होना जरूरी है। अंतरण भविष्यकालिक हो सकता है, प्रॉपर्टी भविष्य मिलेगी ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों आज आपको वीडियो पसंद आया होगा। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट लॉ कॉलेज डॉक्टर भगवानाराम बिश्नोई बोल रहा हूं और समय समय पर जो है मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा, पूरी टीपी पढ़ाऊंगा सेकेंड ईयर के लिए और थर्ड ईयर के लिए एविडेंस एक्ट के भी वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप इसका सदुपयोग करें, घर पर रहे, स्वस्थ रहे, लॉकडाउन का पालन करें। किसी भी प्रकार की स्थिति है तो जो है आप संयम बरते और समय समय पर मेरे व्यक्तिगत नंबर आपके पास है, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।